नमस्कार, आज हम आपको मलाई से बहुत अधिक मात्रा में घी कैसे निकाला जाता है ये बता रहे हैं। ये है एक कटोरी मलाई, जो हमारे 2 किलो दूध की 2-3 दिन में इकट्ठी की गई मलाई है। ठीक है, अब हम इसे कैसे बनाते हैं ये आप देखिए। मलाई को हम इस कढ़ाई में निकाल लेते हैं, और सबसे पहले हमने सारी मलाई को इस कढ़ाई में निकाल लिया और गैस को ऑन कर दिया। और इस तरह से हम इसे हिलाते हुए चलाएंगे। आप देखेंगे कुछ समय में इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। देखिए, ये लिक्विड फॉर्म में आने लग गया। और इस तरह से हम इसको रेगुलर धीरे 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 चम्मच स्पैटुला की मदद से हिलाते रहेंगे। चलाते हुए हमें लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं ये मलाई अपना घी छोड़ने लग गई है, घी की कंसिस्टेंसी आ गई है। थोड़ा ही समय आगे हम देखते हैं कि ये घी अलग होने लग जाएगा। इसको किनारों पे चिपकने न दें। अब हम को इसे चलाते हुए आधा घंटे के स्थान पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि इसकी वापस से थिक कंसिस्टेंसी बन गई है और मलाई ने घी छोड़ना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। देखिए, अब हमने घी को उतार लिया गैस से, और इसके बाद में इस बाउल के अंदर इस चलने की सहायता से हम घी को मावे से अलग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से घी को हम छानना प्रारंभ करते हैं। देखिए कितना सारा घी निकला है। ये देखिए फिलअप हो गया है घी हमारा। लगभग एक कटोरी मलाई से हमने एक कटोरी घी प्राप्त कर लिया है। इस तरह से हमने एकदम साफ सुथरा प्योर शुद्ध घी प्राप्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी मिक्स नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। आप अपने बच्चों को पराठे पूड़ी बना के खिलाएं, हलवा बनाएं, चूरमा बनाएं, कुछ भी बनाएं, बेस्ट घी है जिसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।